जिंदगी या उम्र में चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमें हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी बेरंग कर देती है। अपनी बहन बचाओ और दूसरे की बहन वाओ। अरे अपनी बहन बचाओ और दूसरे की बहन वाओ। अरे काय की अपनी बहन बचाओ, जब दूसरे की बहन वाओ तो खुद की बहन को भी मत बचाओ। पता है, ये औरत ना वो अग्नि होती है जिसे हम प्यार से संभाले तो पूरे घर में उजाला कर देती है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा इस अग्नि को जलाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये सहती रहती है और फिर ये वही अग्नि बन जाती है जो पूरे घर को जला भी सकती है। किसी को कमजोर मत समझना, वो बस चुप इसलिए रहते हैं ताकि वो रिश्तों को बचा सके, उन्हें रिश्तों की फिक्र होती है। खूबसूरती हमेशा देखने वालों के मन और नजरों में होता है, वरना गलती निकालने वाले तो ताजमहल में भी कमी निकाल देते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी को जीतना सीख लो। एक लड़का होना भी बड़ा मुश्किल है मेरे दोस्त, जरा सा अगर हम रो दे तो हमारी मर्दानगी पर सवाल उठने लगते हैं। बोझ कितना भी हो लेकिन वो उफ तक नहीं करता। अरे बोझ कितना भी हो लेकिन वो उफ तक नहीं करता। वो कंधा बाप का होता है मेरे दोस्त, बड़ा मजबूत होता है। खूबसूरत चेहरा, अच्छे कपड़े और बॉडी बिल्डर होना ही मर्द को खूबसूरत नहीं बनाता। एक खूबसूरत मर्द बनने के लिए एक औरत की इज्जत और कद्र करना ही काफी है। अपनी हवस और हैवानियत की निगाहों को हटा कर देखो, यकीन मानो औरत से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। एक औरत की हिफाजत करने के लिए उस पर नजरें मत रखो, वो नजरें हटा दो। वो उस काबिल है कि अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। बस हम कर सकते हैं तो उसे सपोर्ट उन सभी चीजों में जिसमें वो आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि एक औरत है तो हम हैं, एक माँ है तो एक बच्चा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हो तो फिक्र मत करना, दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जो सूरत से नहीं सीरत से प्यार करते हैं। अपने सीरत को इतना बेहतर बनाओ कि ये सूरत वाले आपकी मिसाल देने लग जाए। वो कहते हैं ना कि किसी को मिसाल देना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के लिए मिसाल बनना बहुत मुश्किल होता है। तुमने मेरी सूरत बदली है, मेरा मन नहीं। अरे ये सच को देखो ना, तमीज ही नहीं बात करने की। जरा इस सच को देखो, तमीज ही नहीं बात करने की। और झूठ को देखो ना, कितना मीठा बोलता है। जमाना तो वो ही बेहतर था जब हम चिट्ठियां भेजते थे और सामने वाला कई दिनों तक इंतजार करता रहता था। अब तो मैसेज का अगर एक सेकंड बाद भी रिप्लाई दे दो तो सामने वाले को ये लगता है कि कहीं और सेटिंग कर रखी है इसने। आखिर क्यों यार। एक व्यक्ति हीरे की फैक्ट्री में काम किया करता था। वो अपना काम इतनी शिद्दत से किया करता था कि एक दिन उसके बॉस उससे खुश होकर उसको एक छोटा सा हीरा भेंट करते हैं। वो व्यक्ति खुशी से वो हीरा अपने घर पर ला रहा होता है कि घर पहुंचते ही उसके हाथ से उसका हीरा छूटकर कहीं गिर जाता है। वो बौखला जाता है और पागलों की तरह अपना हीरा ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि अरे भगवान, घर में पड़ी मोमबत्ती लेकर आओ ना। उसकी पत्नी मोमबत्ती जलाकर ला रही होती है तो मोमबत्ती के चमक से वो हीरा भी चमकने लगता है और वो हीरा उसे मिल जाता है। अर्थात इंसान भी इसी मोमबत्ती की तरह होता है। इंसान कितना भी छोटा हो, अगर वो सही वक्त पर काम आता है तो वो सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। याद रखो, विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। लोग समझते हैं मैं घमंडी हो गया हूं, बदल गया हूं, इग्नोर करने लगा हूं। ऐसा नहीं है, बस मैंने लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है, लोगों को समझना छोड़ दिया है। अगर कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो भी आम। एक जंगल में एक लोमड़ी के बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे मांस खाना है। उसकी माँ जंगल में गई और कहीं से सुअर का मांस लेकर आई। उसके बच्चे ने कहा कि माँ मुझे ये मांस नहीं खाना। उसकी माँ फिर से जंगल में गई और इस बार गाय का मांस लेकर आई। उस बच्चे ने कहा कि माँ मुझे ये मांस भी नहीं खाना। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तब तुम्हें किसका मांस खाना है। उस बच्चे ने कहा कि माँ मुझे इंसान का मांस खाना है। लोमड़ी ने सोचा कि अब मैं इंसान का मांस कहाँ से लेकर आऊँ। फिर लोमड़ी वो सुअर का मांस ले जाकर एक मस्जिद के बाहर रखा और गाय का मांस ले जाकर एक मंदिर के बाहर रखा। फिर क्या था, इन चीजों को लेकर दोनों धर्मों में घमासान युद्ध होना शुरू हो गया और शाम तक में ही वहां पर लाशें बिछ गई और लोमड़ी थोड़ी देर में आई और एक मांस का टुकड़ा लेकर वहां से चली गई। अर्थात किसी और के वजह से बिना जाने समझे आपस में हम लड़ जाते हैं और सामने वाला अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता है। आखिर कब तक मेरे दोस्त। सिर्फ एक बात को याद रखना, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, पहले एक सच्चे इंसान बनो। इस देश को तुम पर नाज हो, एक ऐसी पहचान बनो। अपने देश के खातिर ये वीडियो जरूर शेयर करना। यकीन करो मेरा,
यकीन करो मेरा, जो तुम्हें भूल चुका है ना वो भी तुम्हें याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कई बार हम अपने फोन में बहुत सारी चीजें एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारा फोन हैंग करने लग जाता है। हम उसको ठीक करते हैं, जब नहीं ठीक होता है तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, और फोन रीस्टार्ट करने के बाद वो ठीक से चलने लग जाता है। अक्सर जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है, जब हम जिंदगी में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं ना तो हमें अपनी जिंदगी को भी एक बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। कसम से बता रहा हूँ जिंदगी मजेदार हो जाएगी। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, इस गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। एक व्यक्ति दो टावर के बीच बनी रस्सी पर बड़े आराम से चल रहा था। उसके कंधे पर उसकी बेटी बैठी थी और उसके पास एक छड़ी भी था। जब वो दूसरे टावर के पास पहुंच गया तो पूरी भीड़ खुशी से शोर मचाने लगी। उसके बाद उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैं दूसरे टावर तक सुरक्षित पहुंच पाऊंगा? तो भीड़ ने एक साथ आवाज लगाया, हाँ आप कर सकते हो। उसने फिर से पूछा कि क्या आपको मुझ पर भरोसा है? भीड़ ने फिर से कहा कि हम आपसे शर्त लगा सकते हैं। इस बार उसने कहा कि क्या आप में से कोई मेरे कंधे पर बैठेगा, मैं उसको सुरक्षित उस टावर तक पहुंचा दूंगा। और इस बार भीड़ में एक शांत चुप्पी छा गई। अर्थात कहना बहुत आसान होता है लेकिन जिंदगी में कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर जिंदगी में आप कुछ कहने की हिम्मत रखते हो ना तो उसे करने का भी हिम्मत रखो। और याद रखो, विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें और काटते हैं। एक ऑफिस से सेल्स डिपार्टमेंट की एक लड़की, एडमिन डिपार्टमेंट संभालने वाला कर्मचारी और उनके बॉस तीनों एक साथ निकले। लंच का टाइम था तो तीनों खाना खाने जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक अनोखा चिराग दिखा। ये वही चिराग था जिसको घिसने पर जिन निकल आता है। तो उनमें से एक ने चिराग घिसा और उसमें से जिन निकल आया। तो जिन ने कहा कि नियम तो आपको पता ही है, मैं तीन इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। तो एडमिन डिपार्टमेंट वाले ने कहा कि मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है, मैं पूरी इस दुनियादारी से दूर होकर वहां चले जाना चाहता हूं। बुम, वो गायब हो जाता है। इसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट में लड़की कहती कि अब मेरी बारी, मैं चाहती हूं कि मैं अपने प्यार के साथ समुद्र के किनारे एक बीच पर पूरी जिंदगी बिताऊं। बुम, वो भी गायब हो जाती है। इसके बाद वो जिन कहता है कि बताइए मैनेजर साहब, अब आपकी बारी, आपकी क्या इच्छा है? मैनेजर कहते हैं कि लंच के बाद ये दोनों मुझे ऑफिस में चाहिए, टाइम भरा। अर्थात जिंदगी में हमें हमेशा अपने बॉस को पहले बोलने देने चाहिए। याद रखना, जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे ही हर बॉस ने कर्मचारी के तौर पर ही शुरुआत की थी। बेहतर होगा कि अपने से बड़ों को पहले बोलने दिया जाए। अगर मर्द बनना ही है ना, अगर जिंदगी में मर्द बनना ही है तो वो मर्द बनो जिसे औरत चाहे, वो मर्द मत बनो जिसे औरत चाहिए। जिंदगी में कई बार हम ऐसा काम कर जाते हैं जिसका हमें सिर्फ पछतावा होता है। चलो इस बात को मैं अपने एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ। एक पिता अपने कार को साफ कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर जाती है कि कार की दूसरी ओर उनकी बेटी पत्थर के मदद से कार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर पिता को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देते हैं। बेटी दर्द से चीख पड़ती है और ऐसी भयानक दर्दनाक चीख सुनने के बाद पिता भी डर जाते हैं और अपने बेटी को दौड़ते हुए हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर कहते हैं आपकी बेटी का हाथ अब कभी ठीक नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद पिता अपने बेटी के पास जाते हैं तो बेटी अपने नम आवाज में कहती है कि पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ कब ठीक होगा? इस सवाल का उस पिता के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने बेटी को वापस घर ले आ रहे होते हैं तभी उनकी नजर उनके कार पर जाती है, तो उनके कार पर लिखा होता है डैडी आई लव यू। ऐसी और भी कहानियां और वीडियोस के लिए आप हेलो ऐप देख सकते हैं। जरा संभल कर कदम रखिए, अपनी जिंदगी का हर एक कदम जरा संभल कर रखिए, कुछ लोग बेसब्री से आपकी गलती का इंतजार कर रहे हैं। एक पति अपने ऑफिस से घर आता है और उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है, तो वो आकर सीधा बेड पर लेट जाता है। जब ये उसकी पत्नी देखती है तो उसके पास आकर उसके बालों को सहला रही होती है और धीरे धीरे वो सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है उसकी पत्नी उसके सिर पर बाम लगा रही होती है। उसकी आंखें खुलती है तो उसकी पत्नी कहती है कि पहले से कुछ आराम मिला? तो उसके पति ने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। उसके बाद उसकी पत्नी उसके लिए गर्मा गर्म खाने लेकर आती है और उसका पति आधा उठा होता है और अपने हाथों से ही उसकी पत्नी उसको एक एक निवाला खिलाती है। उसके बाद जूठी थाली लेकर वो किचन में चली जाती है। उसका पति फिर से लेट जाता है और लेटे लेटे सोचता है कि कैसे होते हैं पुरुष। कुछ दिन पहले जब मेरी पत्नी बीमार थी तो मैंने उसको फोन करके उसका हाल तक नहीं पूछा। घर पर आकर मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्या दिया, खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहा था। उसके पति ने सोचा कि महिलाओं को ऊपर वाले ने क्या अलग सा दिल देकर भेजा है, हर पुरुष को एक जन्म के लिए स्त्री बनाकर भेज देना चाहिए ताकि उन्हें भी तो पता चले कि माँ बहन और पत्नी बनकर जीना क्या होता है। वो कहते हैं ना, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। जिंदगी में अगर आपका प्लान काम नहीं कर रहा तो अपना प्लान बदलो, अपना गोल नहीं। अगर जिंदगी में आपको आगे जाना है तो अतीत के बारे में सोचना बंद कर दो। जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और जो बहाने बनाते हैं वो कभी जीतते नहीं। सूरज का काम है उजाला देना और ढल जाना,
हम सफर तो चिराग है जो अंधेरे में भी साथ देता है। दीपावली भी बीत गई और दशहरा भी बीत गया और रावण का पुतला भी जल गया, लेकिन कुछ दिन पहले वाली अखबार में ये क्यों छपा था कि एक मासूम सी बच्ची को कुछ दरिंदे फिर से नोच खाएं। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जिसने उड़कर दिखाया वही जिंदा है। घमंड ना करना जिंदगी में, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। असली मर्द वही है जिसके पास खड़ी अकेली औरत खुद को सुरक्षित महसूस करे। ये चूहों और बिल्लियों जैसी मूछ बढ़ाने से मर्द नहीं बना जाता।